हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फ्रेंड्स हमें 3 क्वेश्चंस गिवन है। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। सो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15, 21। तो पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स के फैक्टर्स करेंगे। तो करती हूँ मैं 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। नेक्स्ट नंबर है 15, 3 5 जो 15, 5 1 जा 5। 21 के करते हैं फ्रेंड्स, ये 2 से तो जाएगा नहीं, डायरेक्ट 3 से जाएगा। 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। अब इनके हमने क्या किए, प्राइम फैक्टर्स कर लिए। 12 के फैक्टर्स थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 15 के फैक्टर्स थे 3 मल्टीप्लाई 5 और 21 के फैक्टर्स से हमारे 3 मल्टीप्लाई 7। अब हमने फैक्टर्स तो कर लिए, अब हमें क्या बताना है, एच सी एफ और एल सी एम। एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपको इसके अंदर ये देखना है जिसका भी पेयर बन रहा है वो क्या है, आपका एच सी एफ है। तो यहाँ पे किसका पेयर बन रहा है, 3 का, तो 3 क्या हो गया, एच सी एफ हो गया। अब आते हैं एल सी एम पर। तो फ्रेंड्स जिसका पेयर बना है वो तो एच सी एफ था आपका 3, वो एल सी एम में भी आएगा, तो 3 तो आ गया। अब बाकी जो भी बच गया वो एल सी एम में भी आ जाएगा। इट मीन्स जिसका भी पेयर बना है वो सबसे पहले एल सी एम में तो आएगा ही आएगा और बाकी जो भी बच गया वो एल सी एम में भी आ जाएगा। तो क्या क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इस पूरी वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी फ्रेंड्स 420। तो आपका एच सी एफ आ गया 3 और एल सी एम 420। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 17, 23 एंड 29। तो फ्रेंड्स अब इनके क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो करते हैं 17। अब 17 तो प्राइम नंबर है तो ये तो खुद की टेबल से डिविजन होगा, 17 1 जा 17। सेम 23 भी क्या है, प्राइम नंबर है तो 23 1 जा 23। 29 भी प्राइम नंबर है तो 29 1 जा 29। तो अब करते हैं इनके फैक्टर्स, लिखते हैं हम यहाँ 17 1 जा 17, 23 1 जा 23, 29 1 जा 29। सेम इसमें हम एच सी एफ और एल सी एम देखेंगे। एच सी एफ क्या होता है, जिसका पेयर बन रहा है वो क्या है, एच सी एफ है। तो देखो यहाँ 17, 23, 29 इसका तो पेयर बनेगा, तो इट मीन्स किसका बन रहा है, 1 का, तो 1 क्या हो गया, एच सी एफ हो गया। अब जिसका पेयर बना वो एल सी एम में सबसे पहले आएगा ही और बाकी जो भी बच गया वो क्या, एज इट इज आ जाएगा। जब हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 11,339। तो एच सी एफ आपका आ गया 1 और एल सी एम आ गया 11,339। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9, 25। तो इनके भी मैं पहले क्या करूँगी, प्राइम फैक्टर्स करूँगी। तो मैं करती हूँ 8, 9 and 25। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 and 2 1 जा 2। 9 पे आते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 तो डायरेक्ट 5 से ही जाएगा, 5 5 जा 25 and 5 1 जा 5। तो ये हमने कर लिए प्राइम फैक्टर्स। तो 8 के क्या क्या आए थे हमारे फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 9 के थे 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 25 के 5 मल्टीप्लाई 5। सेम एच सी एफ एंड एल सी एम।
फ्रेंड्स, अब तक मैं आपको बताती आ रही हूँ कि जिसका भी पेयर बन जाए वो काई में आ जाता है, HCF में आ जाता है। तो देखो, अब यहाँ तो किसी का भी पेयर नहीं बन रहा, तो मैम हम HCF क्या लिखें? तो जहाँ पे पेयर नहीं बनता वहाँ पे आप मल्टीप्लाई वन लिख दो आगे, मल्टीप्लाई वन, क्योंकि आपके फैक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई वन लिखने से। अब देखो, वन का पेयर बन गया तो HCF क्या हो जाएगा? वन। अब जिसका पेयर बना है वो तो LCM में आएगा ही, और बाकी जो भी बच गया वो LCM में एज इट इज आ जाएगा। टू कितनी टाइम्स है? थ्री टाइम्स, तो टू की पावर थ्री मल्टीप्लाई थ्री कितनी टाइम्स है? टू टाइम, तो थ्री स्क्वायर मल्टीप्लाई फाइव कितनी टाइम्स है? टू टाइम्स, तो फाइव स्क्वायर। अब इस पूरी वैल्यू को हम एक बार ओपन करते हैं, वन मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, थ्री कितनी टाइम्स है? टू टाइम्स, एंड फाइव कितनी टाइम्स है? टू टाइम्स। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू आएगी हमारी 1800। तो फ्रेंड्स, आपका HCF क्या आ गया? वन, और LCM आ गया 1800। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, मतलब जहाँ पेयर नहीं बनता है तो उसके आगे आप क्या करो, मल्टीप्लाई वन कर दो, क्योंकि फैक्टर पे तो आपके कुछ इफेक्ट होगा ही नहीं, तो वन का देखो यहाँ पे पेयर बन गया। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।